बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं आपको दोस्त महमदूल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला साधु। आज जो मैं जॉब्स आपके पास लेकर हासिल हाजिर हुआ हूँ वो इश्तहार पर स्कूल टीचर STI, जिससे पहले कॉलेज लेवल पे आई थी CTI, ये इस तरह ही स्कूल लेवल पे आई STI। इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जुलाई है। तो यार जल्दी करके अपने अपने करीबी सेंटर या करीबी स्कूल्स वगैरह में जाके इस जॉब को अपनी सीट्स के बारे में कंफर्म करें और वहाँ पर जाकर अप्लाई करें। मैं अब आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या हिसाब किताब इस पूरी जॉब्स के बारे में है। इसमें उम्र की हद मर्द की 20 साल से ज़्यादा 50 साल तक है, औरत की 20 साल से लेकर ज़्यादा 55 साल तक है, 55 साल तक है। हाई मतलब प्राइमरी लेवल में अगर आप पढ़ाएंगे आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 720 रुपये आपकी डेली वेजेस के हिसाब से पे लगेगी, जो आपको एंड में आपके एंड के आखिर में टोटल मिला के वो 18,000 हो जाती है जो आपको मिलेगी। एलिमेंट्री लेवल पर रोज़ाना के 800 रुपये बनते हैं और वो ज़्यादा से 800 और ये 20,000 पर मंथ बन जाती है। और सेकेंडरी लेवल अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो वहाँ 1,000 रुपये आपकी डेली बेसिस की पे है और 25,000 उसकी महाना पे बन जाती है। अगर आप हाई सेकेंडरी लेवल के ऊपर अप्लाई करें और वहाँ पर आपको सिलेक्शन हो जाए तो 1,200 रुपीज़ आपकी पे लगेगी डेली वेज के हिसाब से और महाना 30,000 लगेगी। इसका दौरानिया 9 माह तक है, जैसे एक पढ़ाई का मुकम्मल सेशन शुरू हो जाता है वहाँ तक है। ये नाकाबिल तजदीद और नाकाबिल तोसी है, ना बढ़ेगी ना कम होगी। आपकी जहाँ पर ड्यूटी लग जाएगी वहीं पर आपने काम करना है, वहीं पर बच्चों को पढ़ाना है, आपका तबादला भी नहीं होगा। और ये मोहम्मद महदूद मुद्र के लिए जब तक इसकी इंटर्नशिप चलेगी वहाँ तब तक है, उसके बाद ये ख़त्म कर दी जाएगी। इसकी लास्ट डेट है, 15 डेट के बाद 2 दिन के अंदर अंदर आपकी लिस्ट अवेज़ा कर दी जाएगी जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका नाम वहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद आपको एक लेटर, ओपन लेटर आपको पहुंचा दिया जाएगा, जो 7 दिन के अंदर अंदर आपको वापस कबूलित करनी होगी, उसकी कबूल करना होगा। अगर आप उसके कबूल नहीं करेंगे तो आपको लेटर मंसूख कर दिया जाएगा। और ये अगर आपको मज़ीद इसकी बार मालूम हासिल करनी है तो इसका मैं लिंक इसके नीचे दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके इसकी मज़ीद तफसीलात देख लीजिएगा। और वेबसाइट www.schoolpunjab.gov.pk पर शाया कर दी जाएंगी इसकी तमाम मालूमात। मेरे पास इन तमाम स्कूलों की एक लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ जहाँ जाए जैसे आप उस स्कूल्स के नाम और चीज़ें लिखी होंगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके लिस्ट मंगवा सकते हैं, क्योंकि किसी सर्च के ऊपर मुझे सर्च करने में मुश्किल पेश आएगी, तो इसलिए मेरे पास ये है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आपको लिस्ट आपको सेंड कर दूँगा मैं। चलिए लिस्ट की तरफ चलते हैं। ये वो लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसके अंदर मुकम्मल क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, एज लिमिट, मेल फीमेल, क्वालिफिकेशन प्राइमरी एलिमेंट्री। और सबसे अच्छी और प्योर बात यहाँ के आप मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, BA, BSc और BS वाले अप्लाई कर सकते हैं।
वो जो मैट्रिक वाले हैं वो प्राइमरी लेवल पढ़ाएंगे, इंटर वाले एलिमेंट्री को पढ़ाएंगे, और जो हाई लेवल के हैं वो हाई सेकेंडरी या हाई एजुकेशन या हायर इंटरमीडिएट को पढ़ाएंगे। ये तमाम इसमें अकेडमी के लिए लिखा हुआ है, इंटरव्यू मार्क्स कितने हैं, अकेडमी क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, एडवर्टाइजमेंट, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट, सब डेट लिखी हुई है, कब 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 ये लगेगी, टाइम लिखा हुआ है। आप जिस स्कूल के अंदर आपने अप्लाई किया होगा वहीं पर जहाँ आपका इंटरव्यू होगा वहीं पर आपकी लिस्ट लगेगी, आप जाके उसके बाहर देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी एलिमेंट्री प्राइमरी 720, 800, 1000, 1200 पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, और मैक्सिमम हो जाएगी 30,000 हाई सेकेंडरी की, भी 25,000 सेकेंडरी की, और 20,000 एलिमेंट्री की, 18,000 प्राइमरी की। और टी डी नहीं दिया जाएगा, अनजाने खर्चा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये सीट्स लिखी हुई हैं सारी, डीजी खान गुजरांवाला, डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना लगा है, उनका मनी लिखा। और मैं स्कूल्स के नाम अगर आपको दिखाता हूँ कैसे आप सर्च करना है। जी ये देखें, सबसे पहले कोड लिखे हुए हैं, स्कूल कोड्स हैं ये, आगे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, पर डिस्ट्रिक्ट ये लिखा है, डिस्ट्रिक्ट किस जिले की है, किस तहसील की है, और उस तहसील का मरकज कौन सा है। मुकम्मल पूरे पंजाब की लिस्ट है, मैं आपको अपने इलाके की तरफ लेके चलता हूँ ताकि मेरे इलाके वालों को समझ आ जाए। गुजरांवाला, जी यहाँ से शुरू होते हैं ये, 4480 से शुरू हो रहा है गुजरांवाला। आगे लिखा तहसील कामों की, और मरकज कौन सा है, चंडाला, चंडाले के नीचे आएंगे, फिर मरकज कौन सा है, कामों की, ये कामों की मरकज है, और इसके अंदर ये स्कूल है जो हमारे एरिए के हैं, काले सूबे से लेकर कामों की सिटी, कामों के सदर, काम कोटरी नवाब, बस सादो की वांडो, ये जो हम पास पास हमारे इलाकों के हैं। अब ये लिखा हुआ कि तहसील सरूर, और ये लिखा हुआ है सादोगी, और सादोगी के अंदर जो उनसे गांव के मरकज हैं वो आगे स्कूल के नाम लिखा हुआ है, जैसे तरार, लुम्बड़ा, क्यामपुर, सलार, ये हमारे इलाके के हैं। अब इस तरह अपने इलाके के कोई भी स्कूल जहाँ पे आप रहते हैं तहसील और उसका डिस्ट्रिक्ट नोम करके, जिस जगह का आपका मरकज है वो मरकज देखना, और स्कूल का नाम जिस स्कूल में आपकी सीट्स आई हैं वहाँ जगह अप्लाई करें, ये बहुत ही अच्छा है। एंड में आपको एक बहुत अच्छा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, जब 9 माह बाद आप ये ऐसे रिजाइन करेंगे, जब आपको कहेंगे भी आपका मुद्दत पूरी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी और पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बात का इल्म हो। बहुत से लोगों को ये लिस्ट अभी नहीं मिली, जो ढूंढते हैं नेट से मिलती नहीं, जिनको चाहिए मेरा व्हाट्सअप नंबर वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैसेज कीजिए और आपको मैं सेंड कर दूँगा ये लिस्ट। आप चाहिए जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए, टाइम बहुत कम है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हम के अंदर, तो जल्दी जल्दी अप्लाई करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।